नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रहे चीता झोर पोड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में इस समय कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, जो शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है। बारिश के मौसम में पाठशाला रिसाव का शिकार है। ऊपरी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी के भीतर तक आ रहा है। विद्यालय की शिक्षिका ने इस बात पर अफसोस जताया है कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत होने के बावजूद उन्होंने यहां पर सुधार करने के लिए कोई रुचि नहीं ली। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य का सबसे सफल इंसान बनाने का संकल्प लिया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई प्रकार के सुधार संबंधी प्रयोग हाथ में लिए गए हैं और इनका क्रियान्वयन सभी विद्यालयों में कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय से जुड़ी हुई सुविधा और वहां की व्यवस्था को भी बेहतर करना है। इन सब से अलग हटकर छत्तीसगढ़ के MCB जिले के चीताझोर पौड़ी शासकीय प्राथमिक विद्यालय समस्याओं से दो चार हो रहा है। कई प्रकार की परेशानियों के बीच यहाँ पर शिक्षक पढ़ाने को और विद्यार्थी पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लंबे समय से विद्यालय मुश्किल में है और अब बारिश के मौसम में ऊपरी हिस्से की समस्या से पानी भीतर आ रहा है। इससे यहां का पठन पाठन संबंधी कामकाज बाधित हो रहा है। विद्यालय के बच्चों ने बताया कि पानी का रिसाव होने के साथ साथ और भी कई प्रकार की मुश्किल यहां पर बनी हुई है, इनका समाधान किया जाना चाहिए। सिर फूट जाता है, पानी बरसता है, अपने ये भर जाता है अपने स्कूल में। सीढ़ी जब गिर रहे थे मैम जी बच गए। जब बरसात पानी बरसता है तो सीट गिरने का भी टेंशन हो जाता है और मैम जी बोलते हैं उधर चलिए, या तो फिर सीट उठ गिर सकता है बच्चे पर और बच्चे का कुछ हो सकता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, पानी यहाँ तक आ जाता है, बहता है और हम लोगों को किनारे जाना पड़ता है और बैग बिकता है बहुत ज़्यादा और हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। सीट टूट सब गिरते हैं और पानी चूता है बहुत ज़्यादा। चीताझोर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अर्चना सिंह ने बताया कि यहाँ पर समस्याओं की उपस्थिति को काफ़ी अरसा हो गया है। हमारी ओर से इस बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई है और आवश्यक काम करने का निवेदन किया गया, लेकिन किसी प्रकार के परिणाम नहीं आ सके हैं। वर्तमान में यहाँ 94 बच्चे दर्ज है और उसमें बच्चे आते भी हैं और क्षतिग्रस्त हो गया है स्कूल का, जो जिसमें शिक्षण कार्य हम लोग ठीक से नहीं करा पाते हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत होता है बैठने में भी। और MDM जिस समय खवाते हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर बैठने के लिए भी, और खाना खिलाने में भी हम लोग को दिक्कत होता है, उन लोग के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। तो मैं उच्च अधिकारियों से यही निवेदन करती हूँ कि बार बार हमारे आवेदन देने के बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 12 बिंदुओं पर पालकों और शिक्षकों की बैठक कराई जा रही है और इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के साथ उनके भीतर कई ऐसे गुण विकसित किए जाएं जिससे उनकी क्षमता का विकास हो और वे हर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सरकार की सोच इस मामले में अच्छी कही जा सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विद्यालय के भवन समस्याओं से संघर्ष कर रहे हों और शिक्षक से लेकर विद्यार्थी हर दिन मुश्किल से जूझ रहे हों तो फिर आप अच्छे परिणाम की उम्मीद आखिर कैसे कर सकते हैं। MCB से ग्रैंड न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।